हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आईबीपीएस द्वारा ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं CRP RRB 11। इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। ये वैकेंसी जो है रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए निकाली गई हैं। अगर बात करें कौन कौन सी बैंक हैं, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, आर्यावर्त बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक, इस तरह टोटल 43 बैंक हैं जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग भारत के नागरिक हैं या फिर नेपाल और भूटान के सब्जेक्ट हैं या फिर तिब्बत के रिफ्यूजी हैं, वो लोग इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज की बात करें तो आपकी एज, अगर आप ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, और ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, और ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी एज जो है 18 से 30 साल, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपकी एज जो है 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ में आपको जो है क्लर्क लेवल का काम करना होगा। विभाग की पोस्ट के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ क्या क्या करना होगा। जैसे आईटी के लिए आपके पास, जैसे आईटी के लिए आपको आईटी वर्क करना होगा। तो इसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपको जो है ग्रेजुएट पास होना चाहिए किसी भी ब्रांच से, और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप तमिलनाडु के किसी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वहीं सेलेक्ट करें जहाँ की आपको लैंग्वेज आती है। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, और ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए कम से कम 50% नंबर के साथ। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 स्पेशल ऑफिसर मैनेजर की। इसमें आईटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, कम से कम 50% नंबर के साथ। इसके अलावा अगर आपके पास ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC, OCP इन सब का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको CA होना चाहिए, सर्टिफाइड CA होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए आपको LLB पास होना चाहिए, कम से कम 50% के साथ आप लॉ ग्रेजुएट हो। ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए या फिर MBA किया है अगर आपने फाइनेंस में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए अगर आप MBA हैं मार्केटिंग में तभी अप्लाई कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डेयरी या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिस्कीकल्चर, कम से कम 50% नंबर है इसमें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% नंबर के साथ। इसके अलावा जिन लोगों के पास डिप्लोमा या डिग्री होगी बैंकिंग या फिर फाइनेंस या फिर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिस्कीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड लॉ एंड इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें अगर एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आपको ₹175 देने होंगे अगर आप SC ST PWD कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। बाकी सभी के लिए ₹850 एप्लीकेशन फ़ीस है, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए ₹175 एप्लीकेशन फ़ीस है SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए, और ₹850 बाकी सभी कैंडिडेट के लिए है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसका एक सिलेबस का वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये थी इसकी जानकारी, और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही बता दें, अनअकैडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए अल्टीमेट बैच स्टार्ट कर दिया गया है, और इस बार अनअकैडमी के टोटल 178 स्टूडेंट जो है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2021 में सिलेक्ट हुए हैं, और टॉप 5 में 3 स्टूडेंट हैं। टॉप 100 में अनअकैडमी के टोटल 34 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 45 जो है अनअकैडमी प्लस लर्नर हैं और 133 जो है लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लर्नर हैं। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक 3, 4, 5, 6 ये अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं। ऑल इंडिया रैंक 3 गामिनी सिंगला,
और 4 जो है ऐश्वर्य वर्मा, इसके अलावा AIR 5 उत्कर्ष द्विवेदी और 6 यश चौधरी, ये अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं। तो इस समय अनअकैडमी द्वारा UPSC सिविल सर्विस एग्जाम्स 2023 के लिए अल्टीमेट बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल पटेल, सुदर्शन गुज्जर, प्रतीक नायक, हीमा बिंदु और डॉक्टर सिद्धांत अरोड़ा द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जा रहा है, UPSC, CSE, GS कॉम्बैट, जिसमें टोटल 54 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसमें अगर आपकी रैंक 1 से 50 के बीच में आती है तो आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और अगर आपकी रैंक 51 से 250 के बीच में आती है तो आपको 30% डिस्काउंट दिया जाएगा, और जिनकी रैंक जो है 251 से 650 के बीच में होगी उनको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों की रैंक 651 से 1000 के बीच में है उनको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। तो आपके लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये टेस्ट पूरी तरह से फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद एनरोल कर लें। एनरोल करते समय आपको जो है SRADDA कोड डालना होगा, SRADDA, उसके बाद आप फ्री में एनरोल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिपरेशन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा हो तो आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।